जय हिंद एवरीवन। कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखो यार, आज हम लोग करने वाले हैं लाइफ चैप्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे एएफ फोर्स हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, मोस्टली यही पूछा जाता है। चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले होता क्या लाइफ में, हम एक खाली पेज निकाल लेते हैं, एक सेकंड। ओके, इसके आगे थोड़ा चल लेते हैं। हाँ चलो। लाइट जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपने देखते हैं, बहुत यूज होती है, होता क्या है? जो बेसिक चीजें हैं जो लाइट की, वो हम बताए थे। लाइट के पहली बात तो दो फॉर्म होते हैं। लाइट पार्टिकल फॉर्म में भी दिखाई देती है और रे फॉर्म में भी दिखाई देती है। ओके, अब पार्टिकल वाला नेचर कैसे शो करती है? जब हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को हम लोग देखते हैं, तो हमें वहां पर पार्टिकल नेचर शो करती है। जैसे कि मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, बुक थी हमारी, ओके, एनसीईआरटी की, और हम यहाँ पर खड़े हैं। अब लाइट जो होगी, किसी सोर्स से लाइट निकली होगी और वो लाइट इसके ऊपर ऐसे पड़ी होगी और उसने फिर हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट हुई होगी यहाँ से, और तब हमको ये जाके लाइट, ये बुक दिखी होगी। सेम चीज हैपेंस विद ईच एंड एवरी विजुअल ऑब्जेक्ट, हर चीज हर एक के साथ ही होता। अब मान लो अगर ये लाइट इधर आ गई तो इसके पीछे क्या हो गया होगा, बताओ भाई? इसके पीछे तो लाइट गई नहीं होगी। अब इसके पीछे लाइट गई नहीं है तो मतलब यहाँ पर एक डार्क डार्क हमें चीजें दिख रही होंगी और उसी को हम लोग बोलते हैं शेडो। ओके ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि यहाँ पर ये जो ये जो हुआ है, इस वाले फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। देखो नॉर्मल रिफ्लेक्शन ही तो हुआ है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक हो जाए चीज। हमने एक दीवार पे एक बॉल मारी, ये इधर जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी यहीं से, है ना, हमारे हाथ में वापस। तो ये रिफ्लेक्ट हुई तो हुई है, रिफ्लेक्ट ही हुई है नंबर, मतलब बाउंस बैक हो गई उसी चीज, हमारी तरफ आ गई। सेम चीज होती लाइट के साथ में, और यही दो चीजें हैं जो लाइट इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक आएगा रिफ्लेक्शन और एक आएगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। इसका मतलब होता है लाइट बाउंस बैक कर दे या फिर हो जाए सेम मीडियम में। मीडियम क्या होता है हम समझाते हैं। देखो मान लो ये हमारा कोई सरफेस था और ये हमारा, इस सरफेस की एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर रखा है, ये हमारा एक सरफेस है। सरफेस को हम थोड़ा सा प्लेन बनाते हैं और ये ओके, और ये हमारा नॉर्मल था। लाइट रे हमारी यहाँ पर गिरी और यहां से वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, यहां से ये हमारी एक लाइट रे आई और यहाँ पर ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। और याद रखना, अब यहाँ पर ये देखो, ये हमारा मान लो एयर था और यहाँ पर वाटर है, तो ये देखो रिफ्लेक्ट होकर सेम एयर में यहाँ पर भी है अभी, तो क्या इसका मीडियम चेंज हुआ? नहीं, यहाँ पर वाटर होगा। अगर ये ऐसे कुछ ऐसे ऐसे आ जाती है तो एयर से मीडियम वाटर में आई, मतलब मीडियम चेंज होता, जो कि हमारा होता है इसमें रिफ्रैक्शन में। ओके, अब यहाँ पर तीन चीजें आती हैं। एक होती है ये हमारी जो है, ये हम लोग कहते हैं इसे, जो रिफ्लेक्शन के पहले जो रे होती है इसे बोलते आई, इसे बोलते आर। आई का मतलब है इंसिडेंट रे, और दूसरा होता आर, आर का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होकर गई ना, रिफ्लेक्टेड रे। ओके भाई, ये वाली आर है, ये रिफ्लेक्ट हो गई है, और इसको बोलते हैं नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और वो सरफेस जिस पे ये सब फिनोमिना हो रहा है, पहली चीज ये। ठीक, अब दूसरी जो चीज जो इम्पोर्टेंट आती है वो होती है हमारा जो एंगल आई होता है, वो होता है एंगल आर के इक्वल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है।
अब ये क्या होता है, देखो एंगल का मतलब है जो एंगल हमारा ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है उसे एंगल आई बोलते हैं, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बन रहा है उसे आर बोलते हैं, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तीसरी बात, जो आई मतलब इंसिडेंट रे, आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल हमारा लाई इन सेम प्लेन, सेम ही सेम प्लेन का हो या फिर सेम मीडियम का हो, देखो सेम मीडियम में तो होंगे होंगे, सेम प्लेन का मतलब एक ही जगह पर लाई करते हैं, ठीक। ये हो गया नॉर्मल चीज, इतनी अभी तक की इंपॉर्टेंट चीज थी इसमें रिफ्लेक्शन में। अब आते हैं रिफ्लेक्शन में, और भी जो भी होंगे वो हम बताते रहेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ द लाइट, बेंडिंग ऑफ द लाइट रे, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, ये हमारा फिर से एक सरफेस आ गया, ये हमारा फिर से अब नॉर्मल आ गया। आप सोच रहे हो कि नॉर्मल हमने यहां तक क्यों बनाया, क्योंकि हमारी लाइट रे अब बेंड होने वाली है, मतलब कि खुद अपना पाथ चेंज करेगी। पहले क्या होती थी, पाथ ऐसे आई ऐसे गई, ऐसे आई ऐसे गई, पर पाथ अब चेंज करेगी। लाइट रे ऐसे आई, यहां पर इंसिडेंट हुई, और अब ये यहां से ऐसे चली जाएगी, मतलब कि देखो पहले आ रही इस मीडियम से, इससे अब यहाँ पर जो ये एंगल आर है रिफ्लेक्टेड, अब यहाँ पर ये आर है, ये हमारी कौन सा रिफ्रेक्टेड रे है, ये हमारी रिफ्रेक्टेड रे है भाई। रिफ्रेक्शन के बाद तो रिफ्रेक्टेड, रिफ्लेक्शन के बाद तो रिफ्लेक्टेड, और ये तो इंसिडेंट है। ओके, अब यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता है, वो भी जाता है, ऐसा नहीं होगा, नहीं तो होगा तो क्यों होगा, क्योंकि ये तो हमारे मीडियम जो होंगे उनकी डेंसिटी सेम हो जाएगी, मतलब सेम मीडियम होंगे, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर वाटर तो यहाँ पर भी वाटर, तभी तो सेम चली आएगी, वरना एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होता है। ओके ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम एंगल आर निकालेंगे, एंगल आर निकालेंगे तो ये हमारा ऊपर वाले नॉर्मल से कोई मतलब नहीं, नॉर्मल यही होगा, ये नीचे अलग वही अलग नॉर्मल सेम ऐसा चलाएगा, और ये एंगल हम निकालेंगे तब, और ये एंगल आर होगा क्या, एंगल रिफ्रेक्टेड एंगल होगा हमारा, रिफ्रेक्टेड एंगल। ओके ठीक है, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखो ये लाइट रे इधर से भी तो जा सकती थी, सोचो ऐसे इधर इधर जैसे ये इधर गई है वैसे इधर भी तो आ सकती थी, मतलब कि इधर भी मूव हो सकती, इधर भी मूव हो सकती, तो इसके लिए दो चीजें आती हैं। पहली आती है नॉर्मल से अवे हो जाए, हम बताते हैं अवे, अवे और पास में, और नॉर्मल साइड हो जाएगा। ओके हम जनरल लैंग्वेज में बता रहे हैं, देखना नॉर्मल से अवे का मतलब पहले लाइट रे, एक मिनट इधर लिखते हैं। ओके ये ऐसी आई और ये नॉर्मल है, ऐसे चली गई, मतलब ये दूर हो गई, ये पहले जाना चाहिए था इसको नॉर्मल, देखो इसको नॉर्मल ऐसे जाना चाहिए था, बट ये इधर भी हो सकती थी और इधर भी, तो ये हुई ये वाली पॉइंट इसने चूज किया, मतलब नॉर्मल से पहले जानी तो यहां से चाहिए थी बट और दूर से गई है, तो मतलब ये अवे हो गई। तो इसका मतलब होता है जो हमारा ये वाला मीडियम है, अगर हम इसको मीडियम वन बोलते हैं, ये इसको मीडियम टू बोलते हैं, तो मीडियम टू जो है वो हमारा लेस डेंस है। ओके अब वन वाला इस हिसाब से जो इसमें क्या हो जाएगा, मीडियम मोर डेंस हो जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक देखो, हम कैसे याद रखते हैं, हम ऐसे याद रखते हैं, सोचो यहाँ पर वाटर था, यहाँ पर एयर था, सबको पता है वाटर ज्यादा डेंस होता है, एयर कम डेंस होती है। अब डेंस का मतलब पार्टिकल ज्यादा होंगे, पार्टिकल ज्यादा होंगे तो लाइट रे को चलने में दिक्कत होगी भाई, ज्यादा ऑब्स्टेकल मिलेंगे उसको, ऑब्स्टेकल ज्यादा मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इधर इधर आ जाएगी, और जब और यहाँ पर आ रही थी हमारे, हमें ऐसा लगता है जब ये नॉर्मल जो चलने वाली थी इसका पाथ उससे दूर भागी, मतलब स्पीड से गई होगी भाई, स्पीड से भी गई होगी, हाँ स्पीड बड़ी होगी, नॉर्मल सी बात है भाई। जब लेस मीडियम लेस डेंस मीडियम मिला है उसको, तो उसकी स्पीड कैसी हुई होगी, स्पीड बढ़ गई होगी, स्पीड बड़ी होगी तो तेज जाने के लिए वो उधर मुड़ गई, और कम जाने के लिए इधर मुड़ गई, बस ऐसे याद रखते हैं हम तो, ठीक। चलो इतनी चीजें हो गई, अब ठीक है, एक मिनट। ओके अब आता है लेस, अब नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए आती है
वो क्या आती है, इमेज फॉर्मेशन आता है। अब इमेज फॉर्मेशन में भी क्या होता है देखो समझो, एक आता है मिरर, एक आता है लेंस। जैसे हमने ऊपर अभी बताया रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इसमें होता है रिफ्लेक्शन, इसमें होता है रिफ्रैक्शन। ओके, इसमें क्या होगा, मिरर भी होते हैं। मिरर का मतलब होता है, मिरर का मतलब होता है हमारा एक गोल रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये रिफ्लेक्टिंग कोई सरफेस है, और यहां पर जब भी लाइटें गिरेगी तो ऐसे वापस आएगी, ऐसे गिरेगी तो ऐसे आएगी, ऐसे गिरेगी तो ऐसे आएगी, क्योंकि जो उसका एंगल ऑफ एंगल होगा किसका, रिफ्लेक्शन का और इंसिडेंस का, वो इक्वल होगा। ठीक है, नॉर्मल। अब अगर इसको हम ऐसे कट कर दे, सोचो ये गोल सा होगा, हम इसको ऐसे इधर से ऐसे कट कर ले ऐसे, ठीक, हमने हमारी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है इसलिए कोई माना नहीं है, ऐसे हमने कट कर लिया तो क्या कुछ ऐसे ही बन जाएंगे, देखो है ना, एक ऐसा बन गया, हमने इसको ऐसे कट कर लिया, ठीक, तो इसका शेप ऐसे आ जाएगा, इसका शेप ऐसे आ जाएगा। और जब इधर साइड से हम बात करेंगे तो एक शेप ऐसा भी बन सकता है। अब कह रहे हो कि हम समझे नहीं, अरे भाई समझो, हमने कहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर साइड हो सकता है तो इधर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने बना दे, देखो इधर साइड ही लाइनिंग होंगी, उधर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, मतलब ठीक, इधर लाइनिंग है तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नहीं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर होगा तो लाइट रे ऐसे आएगी, इधर साइड बेंड होगी, ऐसे आएगी इधर साइड से बेंड होगी, रिफ्लेक्ट होगी। अब सोचो इधर साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर आएगी, तो हम जिधर साइड भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें है ना, उधर से लाइट रे बेंड होने लगेगी। बस ये होते स्पेरिकल मिरर होते हैं, और नाम समझ में आ रहा होगा, स्पेयर है, स्पेयर का मतलब गोल होगा, 3D वाला है ना, सर्कल तो होगा नहीं, गोल होगा, तो इसके भीतर पूरा मैटर भरा होगा, मोटा टाइप का होगा, ठीक। चलो सेम गोज विद लेंस, लेंस में भी होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स। इसमें क्या होता है, दो मिलते हैं, दो ज्वाइन करके बनाए जाते हैं, एक इधर से आएगा तो एक इधर से बनाया जाएगा, बस ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऐसा नहीं यहाँ से लाइट रे बेंड नहीं होगी, ऐसे करके ऐसे जाएगी, बेंड होगी, ऑफकोर्स बेंड होगी यहाँ पर भी, पर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सरफेस पे हम लोग पॉलिश कर देते हैं और एक सरफेस को हम लोग ओपिक बना लेते हैं, है ना, इस एक ऐसा आएगा, ठीक। इसमें भी देखो एक ये वाला और इस वाले, ये दो हमारी ग्लासेस हैं, इनको ज्वाइन करके बनाया गया होगा, और इसमें क्या, इस ग्लास को और इस ग्लास को ऐड करके बनाया गया होगा लेंस को, तो लेंस मतलब दो ग्लासेस को ऐड करके बनाया गया। अब हम लोग चलते हैं अपने इमेज फॉर्मेशन पे, इमेज फॉर्मेशन का मतलब लाइट गिरेगी तो कहाँ कैसा ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा सब हम समझाते हैं वहां पर। चलो चलते हैं ऊपर, ये रहा, ओके। चलो तो सबसे पहले आता कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, फिर लेंस पे हम मूव करेंगे, ठीक है। देखो पहले हम बता दें मिरर का क्या होता है, मिरर ऐसा शेप का होता है जो ये पार्ट होता है, सोचो ये मिरर ऐसा पूरा गोल रहा होगा पहले तो, है ना, जैसे ऐसे गोल रहा होगा, तो इसका ये स्पेयर है, स्पेयर का कोई एक सेंटर रहा होगा, सेंटर से यहां तक ज्वाइन कर देंगे, अगर इस सेंटर को हम लोग सी बोलते हैं तो ये सेंटर ऐसा रहा होगा, यहाँ पर क्या रहा होगा, आर रेडी मतलब यहाँ पर क्या रहता है, फोकल। ओके, सेंटर से यहाँ तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं, भाई सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। अब ये यहाँ पर जस्ट उसके बीच में एफ होता है, एफ बोले तो फोकस। ओके, अब फोकस का मतलब है, ये होता है फोकस का मतलब आर अपॉन टू, देखो हाफ होता है रेडियस का, मतलब फोकस जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, या फिर ये कहो रेडियस जो होती है वो फोकस की 2 टाइम्स होती है। पहली बात तो ये फॉर्मूला एक याद रखना, देखो हम लोग साफ साफ देख भी सकते हैं, सेंटर का मतलब क्या होता है, रेडियस की डिस्टेंस के बराबर होता है, सेंटर कहाँ पर होगा, जितनी दूर रेडियस होगी, ठीक। ओके, तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। अब जहां पर ये सेंटर मिलता है आकर, उसे हम लोग एक बोलते हैं पोल बोलते हैं, क्योंकि यहां से लेकर ऊपर और यहां तक की डिस्टेंस सेम होती, तो इसे हम लोग बोलते हैं पोल। ओके, यहीं से सभी फिनोमिना होने वाले हैं, यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन हम लोग पास करते हैं जिसे हम लोग सरफेस अपना लेकर चलते हैं, जिसे हमने ऊपर समझाया था रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्सिंग सरफेस,
वो सरफेस एक हो रहा था ऐसे करके, एक बनाया था ऐसे ऐसे, ये तो ये सरफेस अब हमारा पोल काम करेगा उसकी तरह। ओके चलो, हमने बेसिक अब सभी बता दिए हैं, अब चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको करते हैं। ओके चलो, आप देखो पहला काम क्या होता है, जब लाइट रे हमारी इन्फिनिटी से आएंगी, देखो ये लाइट रे का कोई सोर्स नहीं पता है और ये इन्फिनाइट से आ रही है, तो इन्फिनाइट से आकर लाइट रे यहाँ पर पड़ी, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पड़ी रिफ्लेक्ट हुई, नीचे से रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, और कहाँ पर मिली, आकर फोकस से मिली। तो याद रखना, जब भी लाइट रे हमारी इन्फिनिटी पे आती होती हैं तो हमारा कहाँ पर बनती है, फोकस पे, पहले तो बनती है आकर, इमेज फोकस पे बनेगी आकर, और रियल इन्वर्टेड हाईली और डिमिनिश्ड बनती हैं, चीजें याद करने वाली हैं बस। ओके एक चीज और बता देते हैं, ठीक है, एक चीज बता देते हैं, इमेज जो होती है तभी बनेगी जब लाइट रे क्रॉस करेंगे, एक ये लाइट रे डे वन है, ये लाइट रे टू है, जब ये आपस में क्रॉस करेंगे तभी इमेज बनेगी, वरना इमेज कभी भी बन नहीं सकती। ओके चलो, सेकेंड पे आता है, जब हमारी इमेज जो हमारी लाइट रे का सोर्स है, भाई लाइट रे कहीं से आ रही होंगी तो अपनी मर्जी तो आ नहीं रही होंगी, सोर्स रखा होगा वहां पर कोई, तो अगर सोर्स हमारा सी सी बोले तो सेंटर, सेंटर से पीछे रखा होगा, बियॉन्ड सी रखा होगा, तो हमारी लाइट रे आएगी और थोड़ा सा एफ से इधर हो जाएगी, देखो पहले यहाँ पर बनी थी इमेज, अब सोर्स इधर आया तो लाइट रे भी इधर आ जाएंगी, ठीक है, तो हमारी इमेज भी इधर मिलेगी आकर। अब यहाँ से गई एक लाइट रे ऐसे हुई, और एक सेंटर से जाएगी, जाएगी पक्का, ठीक है, एक सेंटर से गई वापिस वैसे क्रॉस होकर आ गई, और कहाँ बनी आकर, बिटवीन सी एंड एफ हमारी इमेज बन गई। इमेज का नेचर कैसा है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, अभी तक छोटी बन रही है। अब आते हैं सेंटर पे, सेंटर पे हमारी जब इमेज हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज एक एक हमारी से लाइट रे निकली और ऐसी आई, और इधर से एक फोकस से आई, फिर ऐसे गई, ठीक। और यहाँ पर हमारा जो जब सी पे ऑब्जेक्ट होता है, सी बोले तो सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी इमेज भी सेंटर पे ही बनती है, और रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज की बनती है, देखो जितनी ऊपर, अब देखो जितनी ऊपर है उतनी नीचे भी है, दिखाई दे रही। ओके चलो, अब जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी मतलब सेंटर और एफ के बीच में रखा होता है, तो हमारी ऑब्जेक्ट जो हमारी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, सी के बियॉन्ड बनती है, जस्ट इसके उल्टा, तो जब बियॉन्ड सी के ऑब्जेक्ट रखा था तो सी और एफ के बीच में इमेज बन रही थी, और जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा है तो इमेज सी और बियॉन्ड सी बन रही है, और इमेज के नेचर कैसा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, सी से इधर इमेज गई तो बड़ी हो गई, सी से इधर थी तो इमेज छोटी थी, और सी पर ये सेम साइज की इमेज थी। अगला आता है, जब इन्फिनिटी पे रखी होगी हमारी कौन ऑब्जेक्ट, जब हमारा फोकस पे होगा तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी जाकर, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और हाईली इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी बनेगी जाकर। ओके यही हम लोग करते हैं टेलीस्कोप के साथ में, सॉरी माइक्रोस्कोप के साथ में, जब हमारा मिरर माइक्रोस्कोप होता है, बहुत कम यूज होता है वैसे तो, मिरर माइक्रोस्कोप जो पहले यूज किया जाता था उसमें भी यही होता था, बहुत बड़ी इमेज बनाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत पास में रखते थे तो उसकी इमेज बहुत बड़ी बनती थी, अभी भी शायद कहीं कहीं यूज किया करते हैं। ओके चलो, अब अगर एफ और पी मतलब पी बोले तो पोल और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी और इनलार्ज भी होगी, और बिहाइंड द मिरर का मतलब मिरर के पीछे बनेगी, अब याद रखना, देखो एक चीज, मिरर के साइड इमेज बनेगी तो रियल होगी, ठीक, पीछे बनेगी तो कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी, ठीक। अच्छा एक चीज और याद रखो, कहां पर लिखे, इधर लिख देते हैं, रियल होगी इमेज अगर तो इन्वर्टेड भी होगी, पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वर्चुअल इमेज बनेगी तो इरेक्ट बनेगी, समझ पा रहे हो, तो अपने आंखों में हमने कल बताया था अपने आंखों में क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है मतलब रियल इमेज बनती है, मतलब कि लाइंस क्रॉस करती होंगी, रे ऑफ लाइट क्रॉस करती होंगी। ओके और वर्चुअल का मतलब इरेक्ट, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगी तो सीधी इमेज बनेगी, ठीक है चले आगे। चलो अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के फॉर्मेशन, तो कॉन्वेक्स लेंस में दो ही फॉर्मेशन होते हैं, रे जब हमारी कहाँ पर रखी होती है, फॉर्मेशन बाय द इमेज ऑफ कॉन्वेक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड मिरर,
पोल ऑफ मिरर एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा जो इमेज बनती है वो यहां बनती है जाकर, कहां पर? एफ और पोल के बीच में। ओके ठीक है। अगली, जब हमारी फॉर्मेशन ऑफ द इमेज व्हेन द बाय द कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। बस डन। ओके अब हम लोग आते लेंस पे। मिरर फॉर्मेशन इतना पूछा नहीं जाता बट हम फिर भी करा दे रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है चलो। ओके अब हम लोग करने वाले कॉनकेव लेंस पे। और सेम हमारा हो जाए किसके लिए? लेंस के लिए, है ना। लेंस में क्या होगा? सेम चीज है कि जब कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो, जब कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो हमारा अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी फोकस पे, मतलब यहां से अगर लाइट रे आ रही है तो ये कहां पे मिलेंगे अगर? एफ पे मिलेंगे अगर, मतलब फोकस पे मिलेंगे अगर। ओके सिंपल। और कैसी होंगी? वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी और छोटी होंगी। देखो वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी और छोटी होंगी। ठीक है। अगर इन्फिनिटी और ओ ओ बोले तो इसके बीच में कहीं पर है, इन्फिनिटी और ओ के बीच में कहीं पर है, ओ यहाँ पर सेंटर ऑफ द लेंस है। ओके तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? एफ और ओ के बीच में, यहां से लेकर यहां तक के बीच में बनेगी कहीं। वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी और डिमिनिश होंगी। अब कॉन्वेक्स लेंस में देखो भाई, देखो ये बात, जो इसमें कॉनकेव में होता है वो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में होता है, जो कॉनकेव मिरर में होगा वो कॉन्वेक्स लेंस में होगा, जो कॉनकेव लेंस में होगा वो कॉन्वेक्स मिरर में होगा। ओके टू एफ मतलब सेंटर है, और टू एफ मतलब सेंटर है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, देख रहे हो। एफ और एफ, एफ और टू एफ मतलब सेंटर और एफ के बीच में होगा तो टू एफ मतलब सेंटर के बियॉन्ड बनेगा, रियल इन्वर्टेड इन लार्ज होगी। एफ मतलब कि
फोकस पे बनेगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बहुत बड़ी होगी। एफ और ओ मतलब कि सेंटर, वही पोल है वो, यहाँ पर ओ सेंटर ऑफ द लेंस है, वहां पर पोल हमारा होता था और कहाँ बनेगी, सेम साइड ऑफ द लेंस बनेगी। अब लेंस के सेम साइड बन गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वर्चुअल इलेक्ट्रो इनलार्ज बनेगी। इजी, याद करने वाली चीज। ओके अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के पहले भी हमको कुछ चीज बतानी चाहिए। लेट मी सी, कुछ हम छोड़ रहे हैं क्या? हाँ एक चीज छोड़ा है बस, बाकी सब ठीक है। वो है कहाँ बता देनी चाहिए, यही बता देते हैं, कॉर्नर में थोड़ा सा जूम करके। ओके एक लेंस होता है, मान लो ये लेंस हम लोगों के आंखों में लगा है, ऐसा भी लग सकता है, कोई भी लेंस लग सकता है। तो इसकी कहते हैं ना कितने पावर का आपका चश्मा है, कहते हैं ना कितने पावर का चश्मा है। तो चश्मा हमारा हमेशा पावर में आता है, तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट हमारी पूछी जाती है, वो होती डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, TRE। ओके डायोप्टर होता है। अब याद रखना है, अगर हमें डायोप्टर निकालना है, अगर हमें निकालना है पावर ऑफ द लेंस डायोप्टर में, तो कैसे निकलेगा? तो वो आता है पावर ऑफ द लेंस, ऐसे लिखते हैं, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और यहाँ पर ये लेंस जो फोकल लेंथ होगी मीटर में होगी, बस ये याद रखना बस। खत्म। और ये किसमें आएगा? डायोप्टर में आ जाएगा आंसर, डायोप्टर ये डी। ओके बस खत्म। ये बस मीटर याद रखना, या फिर मीटर में नहीं है तो 100/ फोकल लेंथ हमारी फिर सेंटीमीटर में हो जाएगी, और ऐसे रखना ठीक। खत्म, समझ गए? चल अब चलते हैं आगे। और कुछ बाकी हम सब बीच में फिर रास्ते रास्ते बताते रहेंगे। अच्छा ये भी बता देते चलो, ये क्या ग्लास प्रिज्म है? प्रिज्म क्या होता है, शेप होता है हमारा, प्रिज्म ऐसा शेप होता है कि एक ट्रायंगल इधर से बना है, ओके एक ट्रायंगल फिर इधर से बना है, एक ट्रायंगल फिर इधर से भी आएगा, है ना, ऐसे करके, और फिर एक ट्रायंगल इन दोनों से मिलकर ऐसे बन जाएगा। ओके ऐसे करके एक ट्रायंगल ऐसा बनता, फिर एक ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, और नीचे शेप स्क्वायर होगा, है ना। अब हम क्यों इतना डिटेल में जा रहे हैं जबकि हमारी आर्ट इतनी अच्छी है, चलो उसे हम छोड़ते हैं। तो प्रिज्म से जब भी हम लाइट, व्हाइट लाइट को पास कराते हैं, तो हमारा क्या होता है, व्हाइट लाइट यहाँ पर डिफ्रेक्ट होती है। से प्रिज्म से हम लाइट रे पास करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से व्हाइट ले आई, व्हाइट रे आई, और यहाँ से ऐसे रिफ्रेक्ट हो गई, और यहाँ से फिर रिफ्रेक्ट हो गई। मतलब प्रिज्म में 2 बार रिफ्रेक्शन होता है, 2 बार रिफ्रेक्शन होता है। ओके 2 बार रिफ्रेक्शन होने के बाद क्या होता है, एक सफेद लाइट थी मतलब व्हाइट रे थी, व्हाइट रे कैसी हो जाती, 7 अलग अलग कलरों में हो जाती है, 7 अलग अलग कलर्स में हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं विब क्योर, इन्होंने एक कलर नहीं दे रखा है, चीटिंग चीटिंग, 1 2 3 4 5 6 7 है तो, पर इन्होंने एक कलर कहाँ मिस किया है, देखो तो ये वायलेट इन्होंने कर दिया। ओके ठीक है, फिगर में जो भी हो 7 कलर ऐसे होते हैं। ओके हम यहाँ से ऐसे बना देते हैं हमारे, ओके और एक यहाँ पर VIBGOYOR। अब V बोले तो वायलेट है, I बोले तो इंडिको, इंडिको है, ये सब कलर निकलते हैं उसमें, हम लोग साफ देख सकते हैं। अरे यार कभी करके देखना, मजा आता है। जी बोले तो ग्रीन, वाई बोले तो येलो, और ओ बोले तो ऑरेंज, और आर बोले तो रेड। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पर ये रिफ्रैक्ट होने के बाद ये देखो ऐसी गई, ये थोड़ी हम थोड़ा सा इसको और इधर बन अच्छे से बताना चाह रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना ऐसे, और यहां से वाइट रे आई, देखो रेड वाली ऐसी तकरीबन तक निकल गई है, और जो वॉयलेट है वो ऐसी आई है, ध्यान से अगर देखोगे इधर पे, है ना, वॉयलेट यहीं पर इतना ज्यादा डेविएशन शो कर गई, कुछ कहने के नहीं, यहाँ पर ये बहुत कम डेविएशन शो की, और यहाँ पर तो आके बहुत ज्यादा डेविएशन शो की, इसने बहुत कम डेविएशन शो की। तो रेड वाली सबसे कम डेविएट होती है, रेड वाली लेस डेविएट होती है। ओके और वायलेट
मोस्ट डेविएस्ट होती, लीस्ट, ओके, और मोस्ट डेविएशन शो करती है। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखो, क्योंकि इसके पीछे कारण ये है, इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, और इसकी वेवलेंथ कंपेरेटिवली कम होती है। तो क्या होता है, वेवलेंथ जब कम होती है तो हमारी हल्की डेविएशन ज्यादा शो करती है, ठीक है। और ये चीज हम लोग देख भी सकते हैं कि किसकी कितनी वेवलेंथ है, किसकी कितनी वो है। हमें 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम दिए, हमने कहीं ना कहीं तो लगा रखा है। ओके, ये देखो हमने बता रहे हैं ना, और अगर जिसने भी नहीं देखा है तो ग्रेविटेशन और ह्यूमन आई का हमने लेक्चर डाल दिया, वो देख लेना जाकर, ओके। चलो तो देखो यहां पर रेड है, इसकी वेवलेंथ कितनी कम, और इसकी वेवलेंथ कंपेरेटिवली यहां पर वेवलेंथ कुछ कम होगी, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये रेड वाली वेवलेंथ ज्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ कम होती है। अच्छा यहीं पर हम बता भी दें, ये हमारी विजिबल विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट का मतलब जिसे हम लोग देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को हम देख नहीं सकते, इंफ्रारेड को हम लोग देख नहीं सकते, बट इतने जो बीच में आती हैं, विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 360 नैनोमीटर, सॉरी 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के आसपास होता है। और ये, और इधर से देखो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, इधर ही शॉर्ट वेवलेंथ थी, इधर वेवलेंथ कम ज्यादा होती चली गई। और इधर जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती चली जाएगी, उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती चली जाएगी, उसकी एनर्जी भी कम होती चली जाएगी। और शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी और एनर्जी भी ज्यादा होगी। एक्सरेज को देखो, गामा रेज को देखो, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है ना। और जरा उनको देखो, टीवी वाली रेज को या फिर एफएम रेज को देखो, तो उनकी वेवलेंथ तो ज्यादा होती है, मतलब दूर तक तो जा सकते हैं, पर उतनी अच्छे से, उतनी अच्छी फ्रिक्वेंसी, उतनी ज्यादा एनर्जी उनके पास कैरी कर नहीं पाती है वो। ओके, गॉट इट। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, हम लोग यहाँ पर थे। ठीक, इतनी चीज समझा दी, अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलो चलो भाई चलते हैं, कहाँ गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, चलो करते हैं, हर एक क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, कितना बहुत है। हाँ अब देखो, हमें दो डायोप्टर दे रखा है, हम जो डायोप्टर समझे और फोकल लेंथ उसने पूछी, तो हम क्या करेंगे, और सब कुछ मीटर में है तो बस नॉर्मल हमें रखना है। टू इक्वल टू, हमें पता था पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, और f हमारा मीटर में होता है, टू इक्वल टू 1/f रख देंगे, मीटर में हम रखेंगे क्योंकि मीटर में जो आएगा वो डायोप्टर का मतलब मीटर में आंसर है, तो बस वो ऐसे कर देंगे। और f इधर ले जाएंगे, f को इधर लिखेंगे, 1/2 इधर लिखेंगे, 0.5 हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, ये तो अलग ही क्वेश्चन हो गए, इसको अभी हम ड्रॉप करते हैं, क्योंकि इसको जब कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है वो बहुत लंबा आता है, उसको भी हम ड्रॉप करते हैं। ओके, वो जो 12th का और 11th का सेशन है, उसको फिर कभी, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बड़े बड़े फॉर्मूले है ना, लंबे लंबे, एक से लेके इतने लंबे लंबे, किसी और नॉर्मल में कर लेंगे, एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं 11th 12th से, कोई नहीं। ओके, हम ध्यान नहीं दिया होगा, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ, आर बराबर 2f, बस सिंपल सी बात। ओके, पावर ऑफ लेंस व्हेन द फोकल लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, अब देखो 25 सेंटीमीटर पावर निकालनी है, 1/ फोकल लेंथ, और मीटर में होनी चाहिए, तो मीटर में तो है नहीं, तो हमने कहा जब सेंटीमीटर में हो तो 100/f कर दो, 100/25 कितना आ गया, 4 डायोप्टर आंसर आ जाएगा, 4 डायोप्टर का। ओके, अब देखो, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ एन ऑब्जेक्ट इज केव बिटवीन द फोकल, कॉनकेव मिरर की बात है, फोकस और पोल के बीच में रखा गया, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट द टू अबाउट द इमेज, देखो वर्चुअल होगी, सही बात है, क्योंकि इमेज हमारी कहाँ बनती है जाकर, पीछे कहीं बनती है जाकर, इन लार्ज होगी और मैग्निफाइड होगी, ये भी बात सही है, इन्फिनिटी पे बनेगी जाकर, ये गलत है क्योंकि इमेज तो बनती है जाकर। ओके, और इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी और इनलार्ज तो होगी होगी। ओके, अब हम लोगों ने किया भी था, ये देखो कहाँ गया, 1 मिनट, कहाँ गया, चीरा कौन सा देख रहा है, ये
इलाज हो गई, इरेक्ट हो गई, वर्चुअल हो गई, बस खत्म। ओके इन्फिनिटिव कैसे बनेगी जाकर? रेस तो हम लोग इमेजिनरी रेस तो मीट कराते हैं ना। ओके दो डायोप्टर की है तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट टू है एनडीए। वो मेरा ऐसा लग रहा है कि 1 2022 में आया है या फिर 2 2022 में आया है, हमें ध्यान नहीं कब आया, पर आया जरूर उसी टाइम का आया। चलो टू डायोप्टर है तो टू इक्वल टू 1/f, f को इधर ले आएंगे 1/2, 0.5 आंसर आ गया उसका। था कहा गया जब लेंस ऑफ द लेंस इज कॉनकेव एंड हैज, अच्छा 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 तो ये टू वाला तो ठीक है। अब देखते हैं पावर किसकी प्लस होती है किसकी माइनस होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो। एक मिनट इसको उठा देते हैं, एक सेकेंड। ये डिपेंड करता फोकल लेंथ पे, ये डिपेंड करता फोकल लेंथ पे। अब कभी भी अगर आपको लेना है प्लस माइनस किसकी होनी है तो आप क्या करो, जैसे नॉर्मल कर्वेचर में चलते हैं वैसे लेफ्ट में चलो या फिर राइट में चलो। ओके तो कॉनकेव लेंस हमारा ऐसा होता है और इसकी हमारी जो पावर होती है वो हमारी होती है निगेटिव, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसकी पावर होती पॉजिटिव। ठीक है तो ये कौन हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, बस खत्म। चलो कॉन्वेक्स लेंस है इफ द फोकल लेंथ, तो माइनस वाला तो ऑप्शन हट जाएगा ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस है 50 सेंटीमीटर तो टू डायोप्टर आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे 50 सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 रखेंगे। 1 P = 1/F होता था, मीटर में है नहीं सेंटीमीटर में है तो ऊपर 100 कर देंगे, इसे कटेंगे तो टू आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है यार। ओके द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर जो बनाता है इमेज वो देखो कैसी बनाता है। यहाँ पर शीशे में अगर अपने आप को देखो तो कैसे होते, सेम हाइट के होते हैं कि नहीं, सेम हाइट के होते तो लार्जर और स्मॉलर वाले हट गए। अब ये इन्वर्टेड होगी नहीं क्योंकि रियल इमेज होती नहीं है, और इन्वर्टेड के साथ वर्चुअल आ नहीं सकता, इन्वर्टर के साथ हमेशा रियल आता है, और इन्वर्टेड होती ना इरेक्ट वर्चुअल और सेम साइज होता है, याद कर लो। और एक चीज याद कर लो, हाँ ये जहां तक क्वेश्चन दे रखा नहीं दे रखा, चलो जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, बहुत बड़े एक स्पेरर का छोटा सा हिस्सा होता है, छोटा सा। तो इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हमारी इसकी एक मिनट, हमारी जो सेंटर होता है इसका बहुत दूर होता है और रेडियस भी बहुत बड़ी होती है, तो इस हिसाब से हम लोग कह देते हैं इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो इनफिनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है, अगला क्वेश्चन भी होगा एक स्लाइटली लेस देन द नहीं वर्चुअल लेटरली इन्वर्टेड, ये बात सही है ना, और ये फोकल लेंथ इसकी जीरो नहीं। जब बहुत बड़ा सेंटर है, बहुत दूर तक इसका सेंटर, छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा स्फेरिकल मिरर होता है, तो कंपैरेटिवली हम लोग देखते हैं क्या है कि जो इसकी फोकल लेंथ आती है वो तो और भी हमें छोटी लगेगी, है ना। इसका सेंटर बहुत दूर होता है, मान लो हमने कहा 100 मीटर तक है, तो इसकी लेंथ ही खुद की लेंथ ये एक है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, फोकल लेंथ आएगी R/2, मतलब कि 25 टाइम्स है, होता तो और भी ज्यादा है, पर अगर पूरे मिरर की इमेज से ज्यादा, पूरे मिरर के साइज से 25 टाइम ज्यादा अगर बड़ी उसकी सिर्फ फोकल लेंथ है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो इन्फिनिटी की तरफ मूव हो जाती है, मतलब कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनाइट की तरफ मूव हो जाती है। ओके ठीक है चलो, अब पावर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, सभी पता पावर तो जीरो हो जाएगी, कैसे, चाहे फॉर्मूले से देख लो, P = 1/F होता, F हमारी इन्फिनिटी होगी तो पावर ये ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, 1/∞ वैल्यू तो जीरो होती है, हाँ ठीक है। और दूसरी बात हम लोग ये भी तो देखते हैं, नॉर्मल अगर चश्मा पहनू तो उसकी तो क्या लगती है हम लोगों की, उसकी प्लेन मिरर का मतलब क्या है, उसमें नॉर्मल ग्लास लगा पीछे पॉलिश कर दिया गया बस, और उसी के अगर हम लोग लेंस बना लो नॉर्मल तो वो हम लोग क्या लगते, कोई पावर के लगते नहीं लगते हैं, ऐसी भी चीजें हम लोग कर सकते हैं। द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हैं वर्चुअल और लेटरली इन्वर्टेड, हाँ वर्चुअल और नियरर होगा नहीं क्योंकि जितनी दूर तुम खड़े हो यहाँ से लेकर मान लो यहाँ पर प्लेन मिरर लगा है ना, और जितनी दूर तुम खड़े, मान लो यहाँ पर तुम खड़े हो 2 मीटर पे, तो इमेज भी 2 मीटर ही बनेगी। ओके दूर रियल बट कैन नॉट बी फोटोग्राफ्ड,
रियल तो हो ही नहीं सकती, रियल दस का नहीं, रियल तो होती नहीं, वर्चुअल होती और लेटरली इन्वर्टेड होती, मतलब जो तुम्हारा राइट होगा वो हमें इसमें इधर साइड लेफ्ट दिखेगा, अगर हमारा जो लेफ्ट होगा वो राइट दिखेगा, बस नॉर्मल। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इन वाले क्वेश्चंस में, चलो अगला करते हैं। क्या है, अ लेमन इज केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टेम्पर एपियर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। आप देखो एक ग्लास है, इसमें पानी भरा है, लेमन है, वो में बड़ी दिखती है, क्यों दिखती है, क्योंकि जो वाटर है, वाटर का होगा, वाटर का मीडियम जो होगा ये डेंस होगा है, और बाहर के मीडियम एयर है, तो लाइट रे यहाँ पर आएगी तो यहाँ से आकर बहुत तेज जाएगी, बहुत तेज जाने का मतलब हम लोगों को लेमन बड़ा दिखता है, वो किस वजह से रिफ्लेक्शन नहीं, यहाँ पर दो मीडियम की बात हो रही है, दो मीडियम का मतलब है रिफ्लेक्शन, बस गॉट इट। चलो सन एपियर्स टू बी रेडिश ड्यूरिंग द सनसेट, और अच्छा, सन हम लोगों को लाल उगते समय मतलब राइज होते समय और सेट होते समय क्यों दिखाई देता है। देखो सबसे पहली बात है, इसका आंसर है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्यों आंसर है, क्योंकि देखो किस हम लोगों की रियल में जो लाइट है वो सिर्फ व्हाइट है, सन से सिर्फ व्हाइट लाइट निकलती है, अब वो कलर कौन सा बनता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है पार्टिकल्स पे, कि पार्टिकल किस हिसाब से उसको स्कैटर कर रहे हैं, और पार्टिकल भी किसके, इन्वायरमेंट के पार्टिकल। अब उस उन पार्टिकल्स ने, इन्वायरमेंट के पार्टिकल ने हम लोगों को क्या किया, सन के हम लोग ज्यादा पास में हो जाते हैं। देखो जब यहाँ पर मान लो अर्थ यहाँ पर खड़े हैं, सन यहाँ पर है, तो हम लोगों को यहाँ से सन ज्यादा पास में दिखाई देता है, तो हम लोग यहाँ की लाइट भी देख लेते हैं, यहाँ की ऐसे हमें लगता है सन यहाँ पर होता है असल में, पर हम लोग दिखता है यहाँ पर। ओके क्योंकि पहली बात तो स्कैटिंग की और रिफ्लेक्शन भी होता है यहाँ पर, बट वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा। अब पास में होते तो रेड लाइट जो होती है वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करती, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती थी और वहां तक हम लोगों के पास आ जाती, अगर यहाँ पर होते तो मान लो रेड लाइट नहीं आती तो ब्लू या फिर वायलेट दिखती, जैसा कि हमारे किसके साथ आसमान के साथ होता है, ब्लू कलर हम लोगों को दिखाई देता, क्यों, उसकी वेवलेंथ हम लोगों की कम है, बट उसके पास एक एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी ज्यादा है तो दूर तक चलेगी वो, और इसीलिए ज्यादा स्कैटर भी हो जाती है वो। ओके ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, आप देखो ट्विंकलिंग वाला किस में आता है, रिफ्रैक्शन में आता है, क्योंकि वो क्या होता है, चमक रही होती है बार बार, है ना, तो चमकना रिफ्रैक्शन तो आएगा नहीं, रिफ्रैक्शन तो आएगा नहीं, ये तो मान लो लाइट का है, और डिस्पर्शन भी नहीं आएगा, डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट की वजह से होता है, क्योंकि पार्टिकल जो देखो असल में चमक नहीं रहे होते, अरे स्टार बनाओ ना, स्टार वो चमक नहीं रहे होते हैं, वो हम लोगों पर चमकते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वो लाइट, इसके ऊपर लाइट आती है वो उसको स्कैटर करते हैं, उसको ऐसे ऐसे रिफ्रैक्ट करते हैं, और मीडियम जो कि चेंज होता रहता है उसकी वजह से ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार हम लोगों को स्टार जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। देखो वही सेम क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज रिफ्रैक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट। टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग की वजह टिंडल इफेक्ट भी होता है, सिर्फ पार्टिकल की बात नहीं है, सबसे वो टिंडल इफेक्ट क्यों दिखता है, मतलब कि जहां पर धुआं धुआं हो जाता है वहां पर सन की रेज दिखने लगती है, वो सिर्फ एक ही कारण है, वो स्कैटर करते हैं। मिराज इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ बोथ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल, एक मिनट, रिफ्रैक्शन नहीं यहाँ पर, वैसे तो आंसर होना चाहिए था रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों, क्योंकि एक बार इंडिया ने जब ये क्वेश्चन पूछा था शायद पहले का है, तब इसमें दोनों आंसर दे रखे थे, कोई बात अभी तो सिंपल है, तो इंटरनल TIR की वजह से होता है। ओके चलो ठीक है, द लाइट एनर्जी स्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाई, अब लाइट एनर्जी जो आती थी लाइट रे उसको हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रेड का मतलब अलग अलग कलर्स में डिवाइड कर सकते हैं उसको, तो शोवर ऑफ द रेन ड्रॉप बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम लोग देखते हो जब बारिश होती है तो देखना, बारिश अगर इधर साइड से हो रही है तो यहाँ पर हम लोगों को एक रेनबो बनता हुआ दिख जाता है, वो रेनबो क्यों बनता है, क्योंकि सन इधर है तो लाइट ये बारिश से ऐसे निकल के जाती है और उधर पे सेवन कलर्स में हम लोग दिख जाती है। प्लेन मिरर नहीं, ये तो कुछ करता ही नहीं, कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कुछ भी नहीं करता है, ये तो सिर्फ लाइट को बेंड कर सकता है ना, दो बार हमारा रेनबो बनने के लिए मिनिमम दो बार तो रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इसमें रेनड्रॉप में क्या होता है, एक बार रिफ्लेक्शन भी हो जाता है तो रेनबो सेकेंड रेनबो भी बन जाता है कॉम्बिनेशन, ये तो नॉर्मल प्लेन मिरर बन जाएगा। अब ये सोचो ऐसा ऐसा एक मिरर है, एक लेंस है, और इसी में एक लेंस ऐसा और जोड़ दिया तो ये तो नॉर्मल लेंस बन गया ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव एक नॉर्मल बना देंगे। ओके ठीक है,
हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन विच सिंपल पेरिस्कोप वर्क। पेरिस्कोप क्या होता है? देखो पेरिस्कोप का मतलब होता है, जो पनडुब्बी वगैरह होती ना, उनमें ऐसे ऐसे करके एक यंत्र लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट लगा होता है ऐसे, जिससे हम लोग ऊपर की चीजें भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ से आदमी देखेगा, यहाँ देखेगा और यहाँ की चीजें दिखेंगी। वो क्या होता है, यहाँ सन, यहाँ से रे पड़ी, और इसका थोड़ा सा अगर हम जूम वर्जन दिखाएं तो यहाँ से रे ऐसे पड़ेगी और ऐसे जाएगी, और फिर यहाँ पर एक और हमने ऐसे ग्लास लगा रखा तो ये ऐसे दिखने लगती, तो यहाँ से आई रे वो दिख यहाँ पर रही है, और हम यहाँ पर पनडुब्बी होती है ऐसे करके, बस हम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं उसको, और ऊपर उसे समझ में ही नहीं आएगा। पहले के जमाने में यूज करते थे, अब तो नहीं करते। तो किस पे होता है, जो रिफ्लेक्ट हो रही ना लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रे पर डिपेंड होता है। ओके, ये देखो ये क्वेश्चन अपना 2021 में पूछा गया था, 14 नवंबर के जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा ये गया था, विच वन शो द करेक्टली शो द पाथ ऑफ द रे लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब ग्लास प्रिज्म से जो निकलती है लाइट, तो उसके साथ क्या होता है? देखो हमने बताया था, हमने एक ही चीज बताई, दो बार रिफ्लेक्शन होगा, दो बार रिफ्लेक्शन होता है, हमने बताया था ना, एक ये और एक ये यहाँ पर होता है, बस दो बार वाला ढूंढ लो। ये तो सीधा इधर चला गया, नहीं ये भी एक यहाँ पर सीधा चला गया, ये यहाँ से तो रिफ्लेक्ट हुआ पर यहाँ सीधा हो गया, ये भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ फिर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हुआ, बस यही, रिफ्लेक्ट का मतलब चेंज, बेंड हुआ है कहीं ना कहीं। अगला पढ़ो, ये भी उसी पेपर में आया था, 2021 वाले में, 1 और 20, हाँ 2021 वाले में। व्हेन ए लाइट रे बीम फॉल्स ऑन अ ट्रायंगल ऑफ बैंड ऑफ लाइट इज ऑब्टेंड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये दो जो हमने बताए थे, लाइट रे बेंड द मोस्ट, नहीं लाइट रे बेंड द मोस्ट, नहीं सबसे ज्यादा कहाँ मुड़ती है? हाँ ये सही है, वॉयलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट एज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वॉयलेट इज ग्रेटेस्ट। अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, तो समझाते हैं, ऑप्शन इसका सही है ये, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का समझ लो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है दिक्कत वाला काम, ये ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं लाइट को चलने में। आप बताओ अगर मान लो यहाँ से लाइट ऐसे जा रही है और यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ये तो सीधी चली जाएगी, है ना। अब एक लाइट ये आ रही तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई उसके लिए, तो ये ऐसे हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो वही होता है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो वहां पर लाइट बहुत स्लो से चल पाती, बहुत मुश्किल से चल पाती है, इसीलिए ज्यादा बेंड होती है, बस खत्म। तो लाइट रे का, वॉयलेट लाइट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ओके अगला क्या है, विच व्हेन बीम ऑफ लाइट कम्स विद द लाइट दैट डिप द लीस्ट, सबसे कम डेबिट कौन होती है, हमने बताया था, देखो लिखा है जो भाई लिख रखे वही क्वेश्चन बने हैं पीछे, और जितना किया हम लोगों ने सही किया। ओके अब होते हैं क्वेश्चन खत्म, फिर से देख ले, कुछ भी नहीं छूटा है, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके ठीक है चलो भाई, ओके थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया, चलो मिलते हैं फिर बाद में, अगर अच्छा लगा हो तो जो भी मन में आए वो कर लेना। चलो भाई लिख लेना है सभी चीजें। ओके बाय।